कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं। जो कल से जो मैंने सांपों का रेस्क्यू किया था, आज मैं इस पर्यावरण में आ चुका हूं और यहां पर मैं सभी रिलीज करूंगा कि बहुत ही डेंजर सांप मैंने रेस्क्यू किया था। पहला रेस्क्यू जो किया था, जो जहानाबाद के पास एक गाँव पड़ता है मुड़िया में, वहाँ पर मैंने रेस्क्यू किया था। और रिछा में दो कोबरा का रेस्क्यू किया था और दो तीन कोयलड़िया नवादा से, यानी दो धामन और एक कोबरा का रेस्क्यू किया था। और नखलऊ गौटिया से स्कूल में से एक कोबरा का रेस्क्यू किया था और अरसियाबूज गांव में से कोबरा का एक रेस्क्यू किया था। तो दोस्तों, इन बेजुबान जीवों को मैं यहां पर आ चुका हूं और इस पर्यावरण परिवेश में इन्हें मैं रिलीज करूंगा, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि इंसानों को सांपों से दूर रखना और सांपों को इंसानों से दूर रखना। क्योंकि कल एक धूप का एक जो निकलती है, तो उस धूप में सांप लेने के लिए बाहर आ जाते हैं और हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। तो दोस्तों, कल का एक तांडव, कल मैंने 8 सांपों का रेस्क्यू किया था, जो मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। और मैं यहाँ पर अब आ चुका हूँ अनुकूलित वातावरण में, जहाँ पर मैं रिलीज करूँगा और दिखाऊँगा एक से एक बढ़ के सांप जहाँ पर मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ का पर्यावरण बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर एक खंडर भी पुराना बना हुआ, तो सब जो यहीं पर रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए और आपसे सांपों से जुड़ी जानकारी देने की कोशिश जारी रहेगी। तो ठीक है, पहले मैं निकालता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कोबरा है और ये भी कोबरा ही है। देखिए इनकी भौंक, ये 4 कोबरा हो गए और देखिए 5 कोबरा, देखिए ये बगैर जहर वाला सांप है। ये धामन करीब में आइए और इसे मैं यहीं पर रिलीज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए ये जा रहा है। देखिए ये सारे कोबरा इधर, ये सारे कोबरा, इनमें एक नोरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। और दोस्तों, अगर कभी बाइट अगर हो जाए तो आप झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें। देखिए ये दूसरे के लिए वाइट कर रहा है। अभी और सारे, शायद एक आध है, नहीं है, शायद 6-7 कोबरा हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं इन्हें यहाँ पर रिलीज करता हूँ कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि इतने सारे कोबरा मैंने कल ही रेस्क्यू किए थे। शायद मेरा वजन बहुत है, वजन ही नहीं रुक रहा है। देख रहे होंगे कितने सांप, कितनी धौंक है करीब में और इनका वजन कम से कम 25-30 किलो है, क्योंकि उठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर इसे रिलीज करता हूँ। में आइए करीब, देखिए एक बहुत सारे कोबरा, सभी दोस्तों मैंने यहीं पर इनको रिलीज किया। देखिए ये कोबरा जी, जाइए जाइए,
सभी को यहीं पर मैंने रिलीज कर दिया। तो दोस्तों ये सर्दी का जो मौसम था, इस सर्दी के मौसम में ये धूप लेने के चक्कर में ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य है इन जीवों को बचाना और एक पर्यावरण को स्वच्छ और समृद्ध बनाना, यही हमारा एक उद्देश्य है। हमारा क्या होता है कि एक जीव जो होता है जहाँ पर निकलता है वहाँ पर लोग उठा के उसे मार देते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है इन जीवों पर दया बरसाए रखें, कोई भी इनको मारे ना और इनको अच्छी तरीक़ा से रेस्क्यू करवा के और जंगल में रिलीज करवा दें, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट के लिए है, आपके लिए नहीं है। कोई जानकारी है उसके अंदर तभी ही रेस्क्यू कराएं और कराने के बाद और पर्यावरण में प्रवेश में इसे रिलीज करा दें, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य इनको मारना नहीं है, इनको बचाना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक जीव जंतु को बचाते हुए। जय हिंद, जय भारत।